भारत की धार्मिक परंपरा में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान आदि का विशेष महत्व है। इस मौके पर सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने और धार्मिक स्थानों पर पूजा के लिए जमा होने शुरू हो गए। इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर सदी के दूसरे महाकुंभ के लिए शाही स्नान में लाखों की संख्या में देश और दुनिया से आए लोगों और साधु संतों ने हिस्सा लिया और उगते सूर्य की पूजा कर मंगल कामना की। कुंभ का संयोग हर 12 साल के बाद आता है। संतों की माने तो गंगा नदी ने इस बार प्रयाग पश्चिम वाहिनी होकर पूर्ण कुंभ के लिए एक अनोखा संयोग बनाया है। इस बार कुंभ मकर संक्रांति से शुरू होकर 55 दिनों यानी कि शिवरात्रि 10 मार्च तक चलेगा। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से 12 साल बाद आयोजित होता है। इलाहाबाद में कुंभ मेले में यातायात प्रबंधन और सुरक्षा के लिए करीब 30,000 पुलिस बलों को लगाया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। इस दिन नई फसल की पूजा की जाती है, इसीलिए कृषि के नजरिए से भी मकर संक्रांति एक अहम पर्व होता है। मकर संक्रांति का पर्व देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। बिहार में इसे सकरात या खिचड़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग सुबह सवेरे स्नान के बाद पूजा करते हैं तथा मौसमी फल और तिल के पकवान भगवान को अर्पित करते हैं और दही चूड़ा खाया जाता है। असम में इसे बिहू और दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।